नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है। वास्तव में हर एक के पास कोई ना कोई कमी अवश्य है, लेकिन विडंबना ये है कि वो अपनी कमियों को छोड़कर दूसरों की कमियों को देखता रहता है, गिनती करता रहता है। यदि हम खुद को देखें और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो जीवन निखरता चलेगा, समरता चलेगा। और एक सत्य सिद्धांत ये भी है मित्रों कि जो हम देखते हैं वैसे हम बनते भी चले जाते हैं। तो ये भी विचारणीय है, यदि कमियां ही देखते रहेंगे तो कमियां तो हमारे अंदर घर करती चली जाएंगी। तो क्यों ना अपनी कमियों को दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील बने। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट यानी कि हमारे जीवन के अंदर जो भी कमियां हैं या ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसे हम माइनस पॉइंट कह सकते हैं। और प्लस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसी विशेषताएं जो हमें जीवन के अंदर आगे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। अगर हम ये सोच लेते हैं कि मेरे जीवन के अंदर ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं, तो हमारे जीवन का आगे बढ़ने का सफ़र रुक जाता है। और जिस दिन हमने अपने मन के अंदर झांका, अपने मन को तलाशा और पाया कि हाँ, मुझे कुछ न कुछ ऐसी कमी जो मुझे व दूसरों को दुख देती है, उसे आज से मुझे दूर करना है, तो बस जानिए कि आपके जीवन में प्लस पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि आपके जीवन की सफलता निश्चित है। इसीलिए आइए हम प्रतिदिन अपने प्लस पॉइंट्स को बढ़ाते चले जाएं। ओम शांति। मेरा एक मित्र बड़ी अच्छी बात कहा करता था कि आजकल सभी लोगों की दूर की नज़र तेज हो गई है और नज़दीक की जो नज़र है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। सचमुच पते की बात है ना, दूर सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन नज़दीक नहीं देख पाते। शायद इसी को ही दिया तले अंधेरा कह दिया गया है। हम अपने आप को भी ज़रूर देखें और अपने आप को श्रेष्ठता की ओर लिए चलें मित्रों, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को निखारें, तराशें, ताकि हम औरों को प्रेरित कर सकें। और साथ साथ अपने तन का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम आपकी सेहत आपके हाथ में, आपके तन के लिए कुछ खास लेकर के आते हैं। हृदय हमारे तन का महत्वपूर्ण अंग, यदि वो थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा आप जानते हैं। तो कैसे अपने हृदय को दुरुस्त रखें और ये नियमित रूप से कार्य करता रहे, कभी थमे नहीं, उसके लिए क्या करें, यही कुछ सुंदर नुस्खे आज डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा हार्ट कि फंक्शनिंग हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, वो रेगुलर फंक्शनिंग बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक कंडीशन आपने सबने सुनी होगी, हार्ट फेलियर। नाम सुनने में बहुत डर लगता है, क्योंकि इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। हमारा हार्ट जब पंप खून सिकुड़ता है तो सारी बॉडी में खून पंप करता है। लेफ्ट चैम्बर हमारा, लेफ्ट वेंटिकल सिकुड़ता है तो ऑर्टा के द्वारा सारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई, ब्रेन में,
हमारे लंग्स में, हमारी सारी बॉडी के हर टिश्यू में, हर सेल में सप्लाई खून की होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। और दोस्तों, हमारा जब हार्ट सिकुड़ता है तो लगभग 60% ब्लड को बाहर बॉडी को सप्लाई कर देता है, और फिर हर धड़कन में लगभग 60% वो लगभग खून को सप्लाई कर देता है। लगभग एक मिनट में 5 लीटर खून सप्लाई करता है सारी बॉडी में दोस्तों। और ये जो हार्ट की मैंने 60%, इसको EF कहते हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन। तो कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे हार्ट अटैक आने पर हार्ट की आर्टरीज, जो कॉरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, और फिर अचानक वो किसी कारण से क्रैक हो जाती हैं, स्पेशली स्ट्रेस, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी, अपने मन की बातें शेयर ना करना, तो उससे हार्ट अटैक आता है और वो उतना हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है। तो हार्ट का हिस्सा डेड होने से, जो पंप का हिस्सा डेड हो गया, तो अब हार्ट की पंपिंग पावर 60% ना होकर के वो 40% रह जाएगी, 45 या 40 या 30 या 35 रह जाएगी, या 20% भी हो सकती है। अब बहुत बड़ा हार्ट अटैक है जो 20% भी हार्ट हो सकती है। तो अब देखने में आ रहा है दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई है हार्ट अटैक आने से, तो वो ऐसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो हार्ट की पंपिंग जो कम हो जाने से, अब उनको पेशेंट्स को उसको इसको इसको लंग्स में, जब हार्ट की पंपिंग फेल हो जाती है तो लंग्स में पानी भर जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, और आदमी को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी को लगता है कि वो उसे ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स में पानी भर जाने से वो कई बार मुँह से फ्रॉथिंग, जैसे पिंक रंग का या लाल रंग का फ्रॉथ भी निकलता है खून से, जैसे क्योंकि लंग्स में पानी भर के फिर बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये जो है एक खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है, इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और दूसरा कारण भी है दोस्तों, जब डायस्टोलिक जो हार्ट इस पर रिलैक्स करता है, आजकल जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो डायस्टली जो है वो कमज़ोर, वो सिर्फ हमारा हार्ट सिर्फ होता जाता है, तो हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं करता है, पूरा हार्ट फैल नहीं पाता। उससे भी हम अगर हमारा हार्ट मान लीजिए प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर रहा, स्पेशली दीवारें मोटी हो जाती है हमारे हार्ट की, ब्लड प्रेशर के कारण या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के कारण या और भी कोई कारण हो सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग, हमारी हार्ट की मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं, तो हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता और उससे भी हार्ट फेलियर हो जाता है। क्योंकि आजकल 40-50% केसेस हार्ट फेलियर के डायस्टोलिक के कारण, क्योंकि हमारा हार्ट प्रॉपर आराम नहीं कर पा रहा, क्योंकि आज की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से भरी हुई हो गई है, तो हमारा हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं करता, उससे हमारे अंदर हमारे हार्ट के फिर लंग्स में पानी भर जाता है। दोस्तों, इसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इससे बचना, कुछ भी सिम्टम होने पर डॉक्टर से मिलें, अपने आप को डायग्नोज कराएं और इसका प्रॉपर समय पर इलाज कराएं। अगर इमरजेंसी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इमीडिएटली इमरजेंसी में जाएं और अपना प्रॉपर समय पर इलाज करें, अदरवाइज ये रोग जानलेवा भी हो सकता है। एक क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी होता है, उसका भी प्रॉपर समय पर इलाज करने से हम ठीक हो सकते हैं। ओम शांति। तो दिल की दुआएं मित्रों, कि आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहे और आजीवन बहुत ही तंदुरुस्ती के साथ स्वस्थ रहते हुए कार्य करे। सचमुच अपने दिल की बात जब हम दिलाराम परमात्मा से करते हैं तो दिल दुरुस्त बना रहता है, क्योंकि हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। इसीलिए दिल में कोई भी बोझ या भारीपन ना रखें, बहुत बहुत आवश्यक है। दिल की बात के साथ साथ जब हमारे बड़े भी हमें कुछ सुंदर सी बातें कहते हैं, अपने अनुभव की बातें कहते हैं, तो भी हमारे दिल को आराम मिलता है, राहत मिलती है। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम कुछ खास अतिथियों, खास मेहमानों की सुंदर बातें और अनुभव आप तक पहुंचाते हैं, ताकि उन अनुभवों से भी हम अपने दिल को सुंदर बातों से सजा सकें, उसे आराम दे सकें। आइए देखते हैं कि आज कौन है हमारे खास मेहमान। यहाँ पर इसलिए बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जो अनुशासन है, हम लोग तो जहाँ रहते हैं अनुशासन नाम की चीज ही नहीं रह गई, सब बगावत पर उतर चुका है समाज। तो यहाँ का अनुशासन देखकर, लोगों की कर्तव्य निष्ठा देखकर, हमारी बहनें हैं कितनी ईमानदारी से सेवा भाव में लगी हैं, भाई लोग हैं हमारे वो कितने ईमानदारी से सेवा भाव में लगी हैं, ये देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी नई दुनिया में यहाँ पर आ गए। हम लोग सेवा भाव से उतरते हैं समाज में जी। लेकिन सेवा भाव से थोड़े बहुत रहने के बाद में अपनी स्वयं सेवा में लग जाते हैं ज्यादातर। अब यहाँ से जाने के बाद और पक्के होके जाएंगे कि हम कमजोर लोगों की
जिनके पास रहने का मकान नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उन सारे लोगों को साथ लेकर के कोशिश करेंगे कि जिस चीज का अभाव है उसको पूरा कराया जाए शासन के द्वारा। क्योंकि हम राजनीति में हैं, एमएलए हैं, अपनी विधानसभा में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जनमानस, आम जनमानस, वो इस तरह से व्यवस्थित किया जाए, इस तरह से उनकी सुविधा इकट्ठा किया जाए और लोगों को देने का प्रयास किया जाए, एजुकेटेड समाज को पढ़ा लिखा कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के हम सेवा और मजबूती के साथ जाके सेवा करेंगे। मित्रों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है। और साथ साथ ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों की बातों को बहुत तवज्जो देते हैं, उसे अपने दिल पे रख लेते हैं। विश्वास कीजिए, यदि आप ईश्वर के सामने थोड़ी देर बैठेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो आपको कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं, वो आपको कितनी ऊंची उड़ान आपको भराना चाहते हैं या आपके जीवन को कैसे सुंदर रंगों से भर देना चाहते हैं। तो थोड़ा वक्त ज़रूर उनके सामने भी बैठा करें, उनसे भी बातें किया करें। और यदि ये नहीं आता तो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना, वो आपको ये कला सिखाती हैं, जन जन तक जाकर कैसे ईश्वर से वार्तालाप किया जा सकता है, कैसे उनके सामने बैठा जा सकता है, कैसे उनकी बातें सुनी जा सकती हैं और अपने जीवन को निखारा जा सकता है, यही कला वो सबको सिखाते हैं। आइए देखते हैं उनके सुंदर सेवा कार्य को। नई दिल्ली रेल भवन में रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से विशेष भेंट करने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से बीके मृत्युंजय भाई, बीके प्रकाश भाई, बीके शिविका बहन तथा बीके सोमशेखर पहुंचे। माननीय मंत्री जी ने दौलतपुर से साबरमती के लिए प्रतिदिन रेल चलाने की हरी झंडी दिखाकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के ब्रह्मा कुमारीज के सभी भाई बहनों को खास सौगात दी थी। इस खुशी के मौके पर विशेष मुख्यालय माउंट आबू से पधारे बीके मृत्युंजय और बीके प्रकाश ने ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी की ओर से स्पेशल मोमेंटो मंत्री जी को भेंट किया, साथ ही उन्हें ईश्वरीय प्रसाद और मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे मंत्री जी ने बहुत प्यार से स्वीकार किया। मित्रों, हम परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, सबको सिखाते भी हैं कि उठते ही पहले उनका ध्यान करो, वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे मददगार हैं। हम सबको सिखाते हैं, कहते हैं, या जब किसी के जीवन में तकलीफ होती है तब भी ये कहते हैं कि भगवान हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सचमुच कितना वक्त उनके साथ बिताते हैं, हम कितना उन्हें देखते हैं, कितना उनसे बातें करते हैं, आज इस पर ज़रूर विचार करें। क्योंकि ये सत्य है कि यदि ईश्वर का साथ है, यदि उनकी समीपता का हमें एहसास हो जाता है, यदि वो मेरे माता पिता हैं इसकी अनुभूति हम कर लेते हैं, वो मेरे छत्र छाया है ये मैंने फील कर लिया, तो बताएं क्या जीवन में कोई तनाव, कोई तकलीफ, कोई बात रह जाएगी? तब तो जीवन पूरी तरह से प्रकाश से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। तो क्यों ना आज इस पर गहराई से विचार करें, थोड़ा वक्त ज़रूर बैठें, चिंतन करें, उनसे बातें करें और देखें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सचमुच जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। कल पुनः मिलते हैं एक सुंदर प्रकाश के साथ, आनंद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब रंग।